वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार पुराने वीडियोस में मैं आप लोगों को कवर अप करा चुका हूं कि अगर आप किसी डेप्थ पे जाते हो तो प्रेशर किस रेट से आपका चेंज होता है गहराई के साथ साथ, ये हमने बोला था। लेकिन यार आप लोगों को बताया कि उन वीडियोज में, जो दो वीडियो हमने कवर अप की है, पहली वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट की थी, सेकेंड वीडियो में प्रेशर को लेकर मैंने बात की थी आप लोगों से। लेकिन उस वीडियो में आपने क्या नोटिस किया था कि प्रेशर हमने निकाला तो था जरूर, लेकिन वॉटर हमारा कैसा था? नॉन एक्सेलरेटेड, या फिर मैं कहूं कि फ्लूइड हमने कैसा लिया था? नॉन एक्सेलरेटेड। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे कि अगर हमारा फ्लूइड एक्सेलरेटेड मोशन में हो तब उस केस में आपका प्रेशर किस रेट से वेरी करेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एमकेसी लर्निंग पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग साथ के साथ हेडिंग लगा लीजिए, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। ठीक है, लेकिन इस बार हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो आप इसमें लिख लेना केस कौन सा है। When the fluid have some acceleration A, कि अगर फ्लूइड के पास कुछ एक्सेलरेशन होगा A, उस केस में हमारा प्रेशर क्या निकल के आएगा। तो देखो यार एक बात समझो मेरी, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका ये, बहुत छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे इसमें। अगर आप एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहे हो किसी भी फ्लूइड में और फ्लूइड मोशन कर रहा है, लॉजिकल सी बात है अगर एक्सेलरेशन करेगा तो फ्लूइड मोशन में होगा। तो फ्लूइड को आप किस किस तरीके से मोशन करा सकते हो। सपोज करके चलो कि ये मेरे पास कोई भी एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ फ्लूइड मैंने फिलअप किया हुआ, कुछ वाटर, मान के चलो एक ग्लास है और इस ग्लास में पानी भरा हुआ है। आप इसको एक्सेलरेशन या तो ऐसे करा सकते हो वर्टिकली, आप इसे ऊपर लेके जा रहे हो, वर्टिकली में एक केस बनेगा ऊपर लेके जा रहे हो और एक केस बनेगा इसे नीचे लेके जा रहे हो। तो वर्टिकली में दो केसेस बन सकते हैं, हॉरिजॉन्टली में हो सकता है आप इधर लेके जा रहे हो और हो सकता है आप इधर लेके जा रहे हो। तो हॉरिजॉन्टली में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्टिकली में जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। तो वर्टिकली के भी दो केसेस करेंगे। इसके साथ साथ यहां पे एक नई चीज आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, समझना मेरी बात को, कि अगर मैंने एक कंटेनर लिया, मैंने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में क्या कर दिया, फ्लूइड भर दिया, कुछ भी फ्लूइड, एक फ्लूइड फिलअप कर दिया इसमें पूरा इस तरीके से टॉप तक। ठीक है, एक फ्लूइड फिलअप कर दिया। अगर पुराने टॉपिक की बात करूं उस बेसिस पे यहां कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी समझ के चलो। डाउनवर्ड में से फोर्स लगती थी पीए, ऊपर से फोर्स लग रही थी पी नॉट ए, और एक डाउनवर्ड में फोर्स लग रही थी एम जी। ये मेरा फॉर्मूला या फिर ये मैं कहूंगी ये वाला कॉन्सेप्ट मैं लास्ट वीडियो में कवर अप कर चुका था आप लोगों के साथ। अब इस बार आप इस फ्लूइड में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहे हो ऊपर की तरफ, इस बार आप इस फ्लूइड में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहे हो ऊपर की तरफ, तो यहां पे एक नई चीज आएगी, एक स्यूडो फोर्स आएगी, एक नई फोर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगी। स्यूडो फोर्स, कंफ्यूज नहीं होना है, स्यूडो फोर्स नाम की बहुत ज्यादा कोई हवा वाली फोर्स नहीं है, एक इनविजिबल टाइप की फोर्स है जो एक्ट करती है किसी भी लिक्विड पे, जब वो लिक्विड किसमें हो, मोशन में। बात आ रही है मेरी समझ में? अब ये बात बताओ, जब आप इस कंटेनर में पानी भरोगे और इस कंटेनर को आप ऊपर लेके जाना चाहोगे तो लॉजिकल सी बात है पानी ऊपर जाना चाहेगा, पानी ऊपर जाना चाहेगा, तो यहां पे एक स्यूडो फोर्स होगी, वो क्या कर रही होगी, उसे अपनी कंडीशन में रेस्ट पर रखना चाहेगी। सोच के देखो, अज्यूम करो चीजों को, कि अगर आप ग्लास में पानी रख के ले जा रहे हो और पानी बहुत एक्सेलरेशन से आप ऊपर लेके जा रहे हो तो लॉजिकल सी बात है पानी फैलने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, और हम क्या चाहते हैं वो पानी रेस्ट पर रहे, तो उसको नीचे की तरफ एक फोर्स लगानी पड़ेगी और वही फोर्स होगी आपकी स्यूडो फोर्स। तो ध्यान रखना, कंटेनर में जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगी। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो स्यूडो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, और स्यूडो फोर्स नॉर्मल फोर्स की तरह ही होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन की तरह। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए अब एक बात बताओ, अब ये वॉटर आप रेस्ट में मानोगे या मोशन में मानोगे, ये डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। मैंने आपको चैप्टर 3 में फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम की चीज बताई थी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कि ये कोई जरूरी नहीं जो चीज मुझे रेस्ट पर दिख रही है वो पूरे जमाने को रेस्ट पर लगे, और ये कोई जरूरी नहीं जो चीज मुझे मोशन में लग रही है वो हर किसी को मोशन में ही लगे। एग्जांपल, कि अगर मैं किसी कार में बैठा हुआ हूं, मैं उस कार में बैठा हुआ और उस कार के बोनेट में मैंने अपना फोन रखा हुआ है, तो अगर मैं अपनी कार को चलाते हुए जा रहा हूं कहीं भी आगे, तो वो फोन मुझे हमेशा रेस्ट पर दिखेगा। बात समझ में मेरी? वो फोन मुझे हमेशा रेस्ट पर दिखेगा क्योंकि मैं भी कार में बैठा हुआ, फोन भी कार में रखा हुआ है। लेकिन अगर कोई दूसरा लड़का बाहर हाईवे पे खड़ा हुआ है, उसे वो फोन कहां दिखेगा, मोशन में। क्लियर हो रही मेरी बात? तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर।
ये जरूरी नहीं जो चीज मुझे रेस्ट पे लग रही है वो आपको भी रेस्ट पे लग रही है, जो मुझे मोशन में लग रही है वो आपको भी मोशन में लग रही है। तो सोच के चलो कि अगर अब देखो अज्यूम करना, फील लेना चीज का, फील लेना टॉपिक का, कि ये पूरा एक बाथ टब है, ये पूरा एक बाथ टब है, बड़ा अच्छा खासा बड़ा सा, इसमें इस बाथ टब में कोई एक लड़का मैंने यहां बिठा दिया, कोई एक लड़का मैंने यहां बिठा दिया पैर अंदर की तरफ डाल के, तू यहां बैठ और ये चेक करके बता मुझे फ्लूइड मोशन में है या रेस्ट में। अब ये अगर पूरा बाथ टब ऊपर जा रहा है तो इस लड़के को ये वाटर रेस्ट में दिखेगा या मोशन में? तो आंसर है बिल्कुल कि सर रेस्ट में दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये लड़का भी मोशन में है और ये बाथ टब भी मोशन में है। समझ लो मेरी बात को। तो मैं कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूं? फ्रॉम द फ्रेम ऑफ वेसल, कि अगर कोई इंसान वेसल के ऊपर बैठ के इस चीज को नोटिस कर रहा है, इस फ्लूइड को, कि ये रेस्ट में है या मोशन में, तो ये फ्लूइड हमेशा रेस्ट में दिखेगा इसे, चाहे ये ऊपर किसी भी एक्सेलरेशन से जाए। समझ आ गई मेरी बात? चलिए, तो ये है मेरा टॉपिक। इसमें देखो डाउनवर्ड में एक फोर्स लग गई, फिर आपकी कौन सी स्यूडो फोर्स, जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा बॉडी में, जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा स्यूडो फोर्स उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो आगे अगर हम बात करें, अब आपके लिए तो भाई इस लड़के के लिए तो ये फ्लूइड कैसा है? रेस्ट में। और अगर फ्लूइड रेस्ट में है, इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट, फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो आप जानते हो रेस्ट के लिए आपको ये फ्लूइड इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? नेट डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। तो रेस्ट के लिए आप नेट इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालोगे, आपकी पी ए। अब देखिए यहां से सॉल्व करिए, पी नॉट ए प्लस एम कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या आएगा, जी प्लस ए इक्वल टू पी ए। और मास आप निकाल चुके, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? रो। और वॉल्यूम क्या निकाला था आपने? ए एच। और क्या था भाई? देखो अगर ये कंटेनर है, ये इसकी हाइट है कुछ भी एच, तो आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ आपका एरिया बना लेगा, तो एरिया इंटू हाइट हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा आपका? एरिया इंटू हाइट। क्लियर मेरी बात? चलिए, डेंसिटी की जगह आपका रो आ गया, तो मास जहां भी आपको दिखेगा मास की जगह आप वैल्यू पुट अप कर सकते हो, रो ए एच। क्लियर है मेरी बात? चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं फिर। तो फॉर्मूला क्या आएगा? पी नॉट ए प्लस रो ए एच जी प्लस ए इक्वल टू पी ए। कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल, ए कॉमन आ रहा है, यहां से भी और यहां से भी, ए कॉमन उठा लो, क्या आएगा? पी नॉट प्लस रो एच और अंदर आ रहा है जी प्लस ए, ये पी ए। ए से ए कैंसिल आउट यार, तो पी की वैल्यू क्या आ गई? पी की वैल्यू आ गई पी नॉट प्लस रो एच और ये जी प्लस ए। देखो कुछ नोटिस कर पा रहे हो? पुरानी क्लास की जब आपने वीडियो देखी थी तो वहां पे आप, जब ये एक्सेलरेशन नहीं था इस फ्लूइड के पास, जब इस फ्लूइड के पास एक्सेलरेशन नहीं था तो प्रेशर की वैल्यू निकल के आ रही थी पी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। कंपेयर करके देखो, पी की वैल्यू आप निकाल रहे हो, P0 आ रहा है, रो की जगह पे रो आ रहा है, H की जगह पे H आ रहा है, G की वैल्यू चेंज हो गई है। G की वैल्यू में क्या आ गया? कुछ एक्सेलरेशन ऐड हो गया। कौन सा एक्सेलरेशन ऐड हो गया? जिस एक्सेलरेशन से ये फ्लूइड मोशन कर रहा है, जिस एक्सेलरेशन से ये फ्लूइड क्या कर रहा है? हमारा मोशन कर रहा है, तो ये वैल्यू चेंज हो गई इसकी। चलिए, तो आप इसको और कुछ और किस तरीके से लिख सकते हो? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो एच और जी की जगह पे क्या, जी नेट, नेट जी की वैल्यू आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। तो ये केस था हमारा, केस फर्स्ट मान लीजिए आप इसे, केस फर्स्ट आते थे बंदा एक्सेलरेशन इज अपवर्ड, जब एक्सेलरेशन कब होगा? अपवर्ड की तरफ होगा। केस सेकंड आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लो, मैं इसे रब कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए रब कर दें, केस सेकंड करते हैं। देखिए मैं फॉर्मूला फाइनली रखूंगा यहां पर, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए क्या चेंज हो रहा है चीजों में। देखो डायग्राम में क्या चेंज होगा, सिर्फ डायग्राम में क्या चेंज होगा, इस बार आप क्या कर रहे हो, इस बार आप कर रहे हो फ्लूइड में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ प्रोवाइड करा रहे हो डाउनवर्ड में,
और मैंने क्या बताया था, जिस तरफ एक्सेलरेशन होगा स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की तरफ एम ए, तो ये वाली स्यूडो फोर्स यहां से हट जाएगी जो पहले डाउनवर्ड में लग रही थी। यार देखो स्यूडो फोर्स का एक ही कॉन्सेप्ट है, जिस डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन करा रहे हो बॉडी को उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगा दो, स्यूडो फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, वही एम ए वाली फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन वाली, तो बॉडी डाउनवर्ड में नीचे आना चाह रही है तो एक्सेलरेशन किधर लगा, आप इसको स्यूडो फोर्स किधर लगाओगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। और अभी भी जो इंसान यहां बैठा होगा यार उसे तो ये फ्लूइड रेस्ट पे ही दिखेगा, उसे ये फ्लूइड कैसा दिख रहा होगा, अभी रेस्ट पे ही दिख रहा होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे चेंज होगा आप देखिए भाई, अगर इस इंसान को ये सारी चीजें अभी रेस्ट पे दिख रही है तो दैट मींस अब भी एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, और एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है सारी फोर्सेस आपको इक्वल करनी पड़ेगी, नेट डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स, तो आप लिखोगे ये केस सेकंड है आपका, केस सेकंड When acceleration is downward, जब acceleration किधर है नीचे की तरफ है, तो at equilibrium में क्या होगा, at equilibrium की condition देखिए, net upward equals to net downward, downward में कौन कौन सी forces लग रही है, पहले upward में देख लो, upward में लग रही है एक तो PA और एक MA, और downward में कौन सी लग रही है P naught A और MG, तो P naught A प्लस एम जी इक्वल्स टू पी ए, ऊपर की तरफ पी ए लग रही है और एक और कौन सी लग रही है एम ए, एम ए को लेफ्ट साइड में ले आइए तो क्या हो जाएगा भाई, पी नॉट ए प्लस एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू पी ए, एम कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकते हैं, एम जी माइनस ए इक्वल्स टू पी ए, और यहां क्या था पी नॉट ए, और मास की वैल्यू तो अब भी वही रहेगी, मास की वैल्यू तो अब भी रहेगी, क्या रहेगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू एच, यानी रो ए एच, रो ए एच और जी माइनस ए इक्वल टू पी ए, कोई दिक्कत यहां तक, ए कॉमन ले लीजिए, पी नॉट प्लस रो एच और जी माइनस ए इक्वल टू पी ए, ए से ए कैंसिल आउट, यानी P की वैल्यू क्या आ गई, आपकी P की वैल्यू आ गई P नॉट प्लस रो एच जी माइनस, देखो कुछ चेंज दिख रहा होगा आपको, देखना ये डाउनवर्ड का केस था, व्हेन एक्सेलरेशन इज, व्हेन A इज डाउनवर्ड, जब एक्सेलरेशन किस तरफ था आपका, जब एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड है तब आपकी वैल्यू क्या आ रही है पी नॉट प्लस रो एच जी माइनस, और जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था, जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था तो वैल्यू क्या आपकी पी नॉट प्लस रो एच जी प्लस ए, तो ये वेरिएशन रहता है इसमें, तो कुछ खास नहीं है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लो, क्लियर है मेरी बात, चलिए आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं से रब करके नए टॉपिक पे चलता हूं, मतलब यही टॉपिक है मेरा। अब इसमें क्या होगा, ये वर्टिकली का केस था, अब मैं फ्लूइड में मोशन किधर कराऊंगा, हॉरिजॉन्टली, या तो इधर लेके जाऊंगा या फिर इधर लेके जाऊंगा, बात आ रही मेरी समझ, चलिए उसको बताने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूं यार मैं आपको, देखना बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, आपने एक चीज नोटिस किया था, ये डाउनवर्ड में से जो मैं पीए लगा रहा था, पीए क्या थी, ये पीए फोर्स थी, कैसे देखो याद करो, प्रेशर का फॉर्मूला होता था, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या आ रही थी, फोर्स की वैल्यू आ रही थी पी इंटू ए, यानी यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा था आपका कि कोई भी फ्लूइड हो फोर्स उस पर हमेशा परपेंडिकुलर लगती है, फोर्स उस पर हमेशा किसी लग रही होती है परपेंडिकुलर, तो डाउनवर्ड में से पीए फोर्स लगा रही थी और आप देख रहे तो ऊपर से पी नॉट ए फोर्स लगाई जा रही थी, तो अगर कोई भी फ्लूइड आपको दिया गया है तो याद रखना फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगी। अब देखो एक अंडरस्टूड वाली बात क्या है यार, कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन कराऊंगा, अगर मैं मोशन कैसा कराऊंगा हॉरिजॉन्टल, तो यहां पे कुछ नए कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं आपके, अगर मैं मोशन हॉरिजॉन्टल कराने वाला हूं, हॉरिजॉन्टल कराने वाला हूं, दैट मींस कि अगर मेरे पास ये कंटेनर रहेगा, ये मेरे पास एक कंटेनर रहेगा और इसमें पानी भरा होगा, इसमें क्या भरा होगा, पानी भरा होगा। अच्छा एक बात बताओ कि आपके पास एक ग्लास में पानी भरा होगा और आप बहुत तेजी से इधर लेके जाओगे, आप उसे पानी फैलेगा नहीं फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा, पानी बिल्कुल फैलेगा, सोच के देखो एक ग्लास है और बिल्कुल पानी अच्छा खासा लेवल तक भरा हुआ, ये ग्लास था और पानी यहां तक भरा हुआ, और आप इसे तेजी से इधर लेके जाओगे तो पानी फैलेगा, पानी फैला क्यों, पानी फैलने का एक ही कॉन्सेप्ट रहा होगा, दैट मींस ये पानी, अगर ये कंटेनर कुछ इस तरीके का इतना बड़ा रहा होगा तो पानी फैलने का एक ही कॉन्सेप्ट है, या तो पानी इधर से गिरा होगा या पानी इधर से गिरा होगा, या तो पानी इस तरफ से गिरा होगा या पानी इस तरफ से गिरा होगा, दोनों में से किसी भी साइड से अगर पानी गिरा होगा, अभी हमें नहीं पता,
हो सकता है बहुत बच्चों ने प्रैक्टिकल करके देखा हो, उन्हें पता हो, अभी हमें नहीं पता, अभी एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड तो नहीं 10 सेकंड के अंदर वेट करो, पता चल जाएगा। यानी पानी अगर इधर फैला होगा तो दैट मीन्स एक तरफ से पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर गया होगा, एक तरफ से पानी का लेवल कुछ ऊपर गया होगा। यानी ये कहना चाह रहा हूं मैं कि या तो इस कंटेनर में पानी की शेप कुछ ऐसी हो गई होगी, या तो इस कंटेनर में पानी की शेप कुछ ऐसी हो गई होगी और पानी यहां से फैलने लग गया होगा, या फिर इस कंटेनर में पानी की शेप कैसी हो गई होगी, कुछ ऐसी हो गई होगी और पानी इस तरफ से फैला होगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों में से कोई एक शेप रही होगी, अब कौन सी शेप रही होगी नहीं पता। अच्छा ये भी मैं बता दूंगा कि ऐसी ही शेप क्यों बन जाती है पानी की। तो मैंने अभी आपको बताया था कोई भी फ्लूइड हो उस पर फोर्स हमेशा कैसी लगती है, परपेंडिकुलर लगती है। तो देखो अगर मेरे पास ये कंटेनर था और इसमें मैं एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, उस तरफ इसमें मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो आप देखो भाई डाउनवर्ड में एमजी फोर्स तो हमेशा लगेगी, डाउनवर्ड में एमजी फोर्स तो हमेशा लगेगी। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब भी हमारा फ्लूइड मोशन करता है तो वहां पे एक नई फोर्स और निकल के आ जाती है, स्यूडो फोर्स, और वो किधर लगती है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लग रही होगी एम ए, और आप जानते हो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पे आ रहा होगा एफ नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पे आ रहा होगा। तो यानी ये एम जी और एम ए के बराबर अकेला इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा होगा एम नेट एफ नेट। तो यानी कुछ ऐसा हो गया भाई, फोर्स तो अब ये निकल के आ गई, फोर्स अब आपके पास ये आ चुकी है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आ गया भाई। पानी का लेवल पहले ऐसा था, और अभी मैंने बताया था कि पानी पे या फ्लूइड पे हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर लगती है। तो अंडरस्टूड वाली बात है कि अगर इस पर आप परपेंडिकुलर है तो आपको कुछ इस तरीके से बनाओगे, यानी ये, यानी कुछ ऐसा कंडीशन बन गई होगी पानी की, समझो ना। तो एफ नेट निकल के आई है, और एफ हमेशा कैसी लगती है, परपेंडिकुलर लगती है, परपेंडिकुलर लगती है। तो परपेंडिकुलर के लिए ये सरफेस आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी पानी जो इनिशियल स्टेज में ऐसा था वो कुछ इस तरीके का बन गया होगा कंटेनर में। कंटेनर में पानी की शेप कैसी हो गई, ये ऐसी, अब डिपेंड करता है कि ज्यादा हो गया होगा कर्व, ये इंक्लाइंड है नहीं, ये ज्यादा इंक्लिनेशन हुआ होगा या कम इंक्लिनेशन हुआ होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये पूरा उस एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा जो एक्सेलरेशन आपने इस फ्लूइड को प्रोवाइड कराया है। आ रही मेरी बात समझ। चलिए तो ये बेसिक सी चीज मैं बताना चाह रहा था। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि अगर फ्लूइड हमारा हॉरिजॉन्टली मोशन करेगा तो ये तो आपको समझ आ गया ना कि हॉरिजॉन्टल मोशन में कुछ इस तरीके की शेप बन जाती है। चलो तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। यानी अगर फ्लूइड हमारा मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टली, एक्सेलरेशन ए इज प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टली, अगर एक्सेलरेशन ए हम लोग हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड करते हैं, तो हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड करते हैं तो हमें शेप पता चल चुकी है कि अगर मैं देखो फिर से एक बार बता देता हूं जब बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो कि अगर मेरे पास कोई कंटेनर था और इस कंटेनर में मैं इस तरफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूं, इस कंटेनर में मैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूं, तो एम जी तो डाउनवर्ड में लगेगी, एक इस डायरेक्शन में क्या लग रही होगी एम ए, और इनका रिजल्टेंट आ रहा होगा एफ नेट। तो यानी इस एफ नेट के पास, यानी एफ नेट आ चुकी है आपके पास ये, तो कंटेनर की शेप कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो मैं कंटेनर की शेप कैसे ले लेता हूं, कुछ इसी तरीके की ले लेता हूं कि कंटेनर की शेप कुछ ऐसी बन चुकी होगी। जब कुछ ऐसी बन चुकी होगी तो यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं मैं ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट ले रहा हूं मैं ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पर मैं प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू क्या फाइंड आउट करूंगा मैं प्रेशर की। तो आप जानते हो बहुत अच्छे से एक सिलेंड्रिकल फिगर हम लोग अज्यूम करते हैं, एक सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा हमें, तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम कर लेते हैं यहां पर हम लोग, एक सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम कर लिया हमने, इस सिलेंडर की लेंथ है एल, इस सिलेंडर की लेंथ क्या है एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोनों साइड से ए। तो देखो यहां पर मैंने इस पॉइंट पर प्रेशर माना पी वन, और इस पॉइंट पर मैंने प्रेशर माना P2। अगर मैंने यहां प्रेशर P1 माना और यहां प्रेशर P2 माना हुआ है, तो इस तरफ से फोर्स कौन सी लग रही होगी, इस तरफ से फोर्स लग रही होगी P1 into A, इस तरफ से फोर्स कौन सी लग रही होगी P1 into A। अरे प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की इस तरफ से डायरेक्शन क्या निकल गई P1 into A, और फोर्स हमेशा कैसी लगती है परपेंडिकुलर सरफेस के, और इस डायरेक्शन कैसे फोर्स लग रही होगी, इस तरफ से लग रही होगी P2 into A, ठीक है। और ये यहां से इस वाली जगह से हाइट मैंने मानी है h हाइट पे है, कितनी हाइट पे है h हाइट पे,
तो ये कुछ हमारे डायग्राम के असम्पशन है। डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा है, चलो फिर से बना देता हूँ। डायग्राम बढ़िया नहीं लग रहा तो फिर से बना देते हैं। यही पे बना के दिखा देता हूं मैं डायग्राम, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया हमारे पास, ठीक है। ये यहां पे एक सिलेंड्रिकल सरफेस और यहां से फोर्स लग रही थी P1 into A और यहां से फोर्स लग रही थी P2 into A और ये हाइट है H और सिलेंडर की लेंथ N। क्लियर है मेरी बात? ये थी। अब एक बात बताओ यार, एक बात बताओ आप मुझे, अगर इस सिलेंडर को मैं अलग से बनाऊं, देखिए अगर इस सिलेंडर को मैं बाहर बना के दिखाऊं आपको तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ दिखेगा आपको। कोई जरूरी नहीं है बाहर बनाने के लिए, मैं बाहर सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको सारी फोर्सेस अच्छे से दिखा सकूं। ये है इसकी लेंथ L और इस तरफ से कौन सा प्रेशर लग रहा है आपका P1A और इधर से कौन सा प्रेशर लग रहा है आपका P2A। इसमें आपने एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन प्रोवाइड कराया था तो एक सीडो फोर्स और लग जाएगी और वो किधर लगती है, जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये फोर्स इधर लग जाएगी M into A। अब एक बात बताओ, अगर मैं इक्विलिब्रियम की फोर्सेस निकालूं इसकी भी, एट इक्विलिब्रियम सारी फोर्सेस निकालूं तो आप क्या लिखोगे भाई? एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जितनी फोर्सेस इस तरफ लग रही है उनको बराबर कर दो जितनी फोर्सेस इस साइड में लग रही है। और इस साइड में कौन कौन सी फोर्स लग रही है यार? अकेली फोर्स लग रही है P2A। और इस साइड में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? तो देखो P1A लग रही है प्लस, और एक कौन सी फोर्स लग रही है MA। P1A को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा P2A - P1A = MA, ठीक है। और मास का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? मास का फॉर्मूला होता है Density into volume। मास का फॉर्मूला होता है Density into volume। डेंसिटी की जगह रो, अच्छा देखो मैं सिर्फ इतना बता देता हूं, मास का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, मास का फॉर्मूला निकाला था डेंसिटी की जगह रो और वॉल्यूम की जगह क्या था एरिया इंटू एच। लेकिन इस बार एच की जगह क्या आ जाएगा, इस सिलेंडर की लेंथ आ जाएगी तो एच की जगह क्या आ जाएगा इस बार यार एल आ जाएगा, यानी फॉर्मूला निकल के आएगा रो ए एल। तो मास की जगह वैल्यू डालो रो ए एल इंटू ए और यहां से ए कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा P2 - P1। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल ए से ए कैंसिल आउट हो रहा है, यानी P2 - P1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी रो एल ए के बराबर। क्लियर है? और P2 - P1 को आप क्या लिख सकते हो, P2 - P1 को आप लिख सकते हो P2 - P1 को डेल्टा पी लिख दो ना, Δp = ρLA। तो यानी यहां से यह समझ में आ रहा है कि अगर फ्लूइड एक्सेलरेशन कर रहा है, अगर फ्लूइड के पास एक्सेलरेशन है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम नहीं होता। हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर किस फैक्टर से वेरी करता है? रो एल ए से। एल क्या होती है? एल उन दो पॉइंट्स की दूरी होती है जिन दो पॉइंट्स पे आप हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर फाइंड आउट करना चाह रहे हो। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब अगर क्वेश्चन यहां से बन जाए कि आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके से ये कर्व बन रहा है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन बन रहा है, अगर मैं इसको कहूं कि कुछ थीटा बना हुआ है यहां पे, ये कुछ थीटा एंगल बना होगा, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो आपका फ्लूइड है वो फाइनली सरफेस के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, कितना एंगल क्रिएट कर रहा है। तो उसमें आप साथ में घड़ी लगा लीजिए कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए आप देखो क्या कर सकते हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए देखो एक बात बताओ, एक तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो ऊपर से एक प्रेशर लग रहा होगा P0 एटमोस्फेरिक प्रेशर, और जो बंदा इस जगह पे होगा वो भी कौन सा प्रेशर फेस कर रहा होगा, यहां से P0 प्रेशर फेस कर रहा होगा, P0 प्रेशर फेस कर रहा होगा ना। चलिए तो अगर मैं यहां पे आपको सबसे पहले तो टेन थीटा लगाऊं, देखो यहां पे टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर मैंने मान लिया, देखो यहां तक की हाइट h, यानी h अपॉन बेस क्या हो गया आपके पास l, h अपॉन l हो गया। अब अगर मैं इस वेसल में प्रेशर की दो वैल्यूज, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करूं और इस वाले पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो देखो इस वाले पॉइंट पे आप ये भी तो लिख सकते हो प्रेशर की वैल्यू P0 + ρgh, ये कौन सी वैल्यू हो जाएगी, P2 की वैल्यू हो जाएगी, P2 प्रेशर जो होगा, यानी इस वाले पॉइंट पे जो P2 प्रेशर होगा उसके बराबर हो जाएगा ρgh का। अरे लिंक करके देखो ना यार, ये तो सेम वाला कॉन्सेप्ट बन गया जो हमने लास्ट टॉपिक किया था कि अगर हमारा कोई भी फ्लूइड मोशन नहीं कर रहा होता उस टाइम पे प्रेशर क्या लग रहा होता है। सोच के चलो कि अगर इसको मैं रेस्ट पे मान लूं तो इस वाले पॉइंट का प्रेशर कुछ ये निकल के आ रहा होगा, और इस वाले पॉइंट पे देखो जो बिल्कुल है इसके ऊपर तो सिर्फ यही लग रहा होगा जो एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर है। तो P1 वाले प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 वाले प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी P0, ठीक है।
अब अगर मैं पी टू में से पी वन माइनस करूं यहां से, मैं क्या वैल्यू फाइंड आउट करूं, पी टू माइनस पी वन, तो पी टू माइनस पी वन आप माइनस करके देखो क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच माइनस पी नॉट, यही तो होगी पी टू माइनस पी वन की वैल्यू, पी टू माइनस पी वन की वैल्यू पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, यानी रो जी एच आएगी किसकी, पी टू माइनस पी वन की वैल्यू। और देखो पी टू माइनस पी वन की वैल्यू आपके पास एक और है रो एल ए, तो क्या इन दोनों वैल्यूज को मैं इक्वेट कर सकता हूं, इसे आप इक्वेशन वन बोल दीजिए और इसे इक्वेशन टू बोल दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या आप ये नहीं लिख सकते, रो एल ए इक्वल्स टू रो जी एच, रो से रो कैंसिल आउट, रो से रो कैंसिल आउट। अब आप ऐसे एक बात बताओ, मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं, जी को इधर डिवाइड में ले आऊं, ए अपॉन जी इक्वल टू एल इधर जाएगा, तो एच अपॉन एल, क्या कर सकता हूं मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है, मैंने रेशियो में निकाल ली दोनों वैल्यूज। अब ए अपॉन जी किसके बराबर आ गया, एच अपॉन एल के बराबर, और यहां से मैं एक रेशियो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं टेन थीटा का, टेन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, देखो टेन थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन एल, और एच अपॉन एल ही हमारा किसके बराबर है, ए अपॉन जी के, यानी इन दोनों में से कोई भी आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर आपसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए। कि क्वेश्चन बोला जाए कि अगर हमारे पास एक फ्लूइड है और वो हॉरिजॉन्टली कुछ एक्सेलरेशन कर रहा है, तो बताओ वो सरफेस के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा, तो ये आपके वो दो फॉर्मूले, क्लियर है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना, कमेंट करके बता देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल हमारा अभी तक आया, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।